तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रोशनी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे और उमर के दरमियान आ रही हो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे और उमर के बीच में आ रही हूँ। तुम प्लीज मैं आपको गुनहगार मत समझो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो हम तीनों के साथ हुआ। मजाक किया है हमारे साथ तकदीर ने। बहुत जबरदस्त रट्टा लगाया है वैसे, लेकिन माहीन अपने दिल की कहो, मुझे वो नहीं सुनाओ जो उमर ने सिखाया है तुम्हें। दिल से कह रही हूं, रोशनी तुम प्लीज मुझे गलत समझना बंद कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारे और उमर के लिए बुरा नहीं चाहा। तुम दोनों दोस्त हो मेरे। दोस्त है नहीं, दोस्त थे, क्योंकि एक दोस्त तुम्हारा शोहर बन चुका है और तुम्हारी एक दोस्त तुम्हारी सौतन। क्या हुआ, बुरा लग गया, तकलीफ हो रही है? क्योंकि माई तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए। ये गाली जैसा लफ्ज तुम मुझे कहती होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आती? तुम मेरे लिए नहीं आई हो यहाँ पे, तुम उमर के लिए आई हो। तुम उसे बताना चाहती हो, जताना चाहती हो कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसकी खैरख्वाह हो। लेकिन अगर तुम वाकई हमारी दोस्ती समझती, हमारी मोहब्बत की कदर करती, हमारे दरमियान ना आना चाहती, तो तुम इस निकाह से इनकार कर देती। तब शायद मैं और उमर तुम्हारी दोस्ती पे ईमान ले आते। और मैं माहीन, मैं तो तुम्हारे पाँव सारी जिंदगी धो धो के पीती, लेकिन उस वक्त दोस्ती पर खुदगर्जी गालिब हो गई। खुदगर्जी नहीं रोशनी, मजबूरी। बुजदिल, वो खुदगर्जी ही थी। पहली बारात घर से वापस चली गई, दूसरा रिश्ता किस्मत से घर बैठे हुए मिल गया। अगर मना कर देती तो तुम तो सारी जिंदगी अपनी बेवा माँ के सर पर बोझ बनकर बैठी रहती। और अगर मैं मान लूं कि मजबूरी थी भी, तो मैं और उमर भी तो मजबूर थे, मोहब्बत के हाथों मजबूर, दिल के हाथों मजबूर। जानती हूं, समझ भी सकती हूं, लेकिन मानती नहीं, कुछ करती नहीं। क्या करूं मैं, मेरे हाथ में है क्या? और रोश उस वक्त भी मेरे हाथ में क्या था? क्या करती मैं? सर पे निकाह हुआ खड़ा था, माँ, ताया, दादी, भाईराई बिरादरी, कैसे वक्त पे इनकार करती मैं? प्लीज खुद को मेरी जगह खड़ा करके सोचो और बताओ तुम क्या करती। मैं तो कर सकती, मैं इनकार कर देती। मैं उमर के लिए सबको इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये कि अब जब मेरी माँ इनकार की वजह पूछेगी तो मैं उमर का नाम तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि पहले से ही
तुम अपने नाम के आगे उसका नाम लगा चुकी हो।